नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राग यमन, जो कि कल्याण या यमन थाट का राग है। इसमें मध्यम जो है एक विकृत स्वर तीव्र है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। और इसकी जाति है जो संपूर्ण संपूर्ण मतलब सारे सात स्वर काम में आते हैं। इसका वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर निषाद। आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसका आरोह अवरोह। सबसे पहले आरोह, नी रे गा मा दा नी सा। अवरोह, सा दोस्तों। इसके आरोह में निषाद से शुरू करते हैं, सड़ज की बजाय निषाद से सीधा रिखब पे जाते हैं। ऐसे ही इसका जो आरोह के अंदर पंचम भी ओमिट कर देते हैं। कई कई बार कुछ लोग आरोह के अंदर पंचम ले भी लेते हैं, तो जो दोनों एक बार दोनों प्रकार से बता देता हूँ। नी रे गा मा द नी सा, ये तो पंचम को स्किप करके हुआ। दूसरा, नी रे गा मा पा द नी सा, दोस्तों सबसे एक जो अहम बात वो है कि इसके रिखब जो आलाप के अंदर वो जो रिखब लगाते हैं तो उसमें गंधार का कण लगाते हैं। नी रे गा नी गरे गा, ऐसे ही दोस्तों मध्यम से जब देवत पे जाते हैं मादनी मनी रनी मनी नीरेगा। और एक इसकी मैं बता जा रहा हूं आपको पकड़, नीरेगा रे सा नीरेगा रे सा गा मा पा रे सा। ये जो पा से रिखप पे आते हैं इसमें मध्यम और गंधार लगते हुए आते हैं कण। गा मा पा मगरे सा गा मा पा मगरे सा गा मा पा रे सा गा मा पा रे सा, ये गा मा पा रे सा। ये दोस्तों कल्याण अंग है रागांग, जो कल्याण रागांग जो पुराना क्लासिफिकेशन में लेते थे रागांग पद्धति से, उसमें कल्याण जो अंग है वो है गा मा पा रे सा। दोस्तों अब इस करते हैं हम इसका चलन, थोड़ा चलन कह लीजिए स्वर विस्तार। इसका जो स्वर विस्तार इस प्रकार से है, नी 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 ग
रे ग म रे ग नी म रे ग। दोस्तों इसमें निषाद और मध्यम की संगति बड़ी अच्छी लगती है, निषाद और मध्यम की संगति होती है। नी नी म नी म रे ग, ये निषाद मध्यम की संगति है। नी रे नी रे ग म रे ग नी म रे ग ग म प रे सा नी रे नी रे ग म प रे सा नी रे नी रे ग म ग प म द प म रे ग ग रे ग म द प म रे ग रे नी रे नी रे ग रे सा ग म द नी द प। फिर मध्यम निषाद की संगति आएगी ग म द नी म नी र प म नी र प म द म नी र नी र प म रे ग ग रे नी र नी रे ग म प रे सा ग रे ग म द नी नी र नी म द नी र सा नी रे नी म रे नी रे नी रे सा नी रे गा रे सा नी रे नी रे नी म रे नी रे नी रे सा सा पारे गा गरे गा म पारे गरे नीरे नीरे गरे सा। दोस्तों ये हुआ इसका स्वर विस्तार। स्वर विस्तार में जैसा आपने देखा होगा कि रुकने के विश्रांति स्थान निषाद हो गया, हिखप, गंधार, पंचम, ये इसके विश्रांति स्थान है। देवत पे न्यास नहीं किया जाता है, मध्यम पे भी थोड़ा कम किया जाता है, मध्यम पे कभी कभी कर लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर कभी कभी शुद्ध मध्यम लगाने से ये राग यमन कल्याण जिसे बोलते हैं वो बन जाता है। तो देखिए एक बार ये यमन कल्याण और बता देता हूँ थोड़ा सा। नी रे नी रे ग ग रे ग म ग रे नी रे नी रे सा नी रे नी रे ग ग रे ग म ग रे नी रे नी रे सा नी रे ग म प प म रे ग म ग रे नी रे नी रे ग रे सा। ज्यादातर जो ये यमन कल्याण में मध्यम शुद्ध लगाते हैं वो दो गंधारों के बीच में लगता है। ग म ग रे नी रे नी रे ग रे सा कभी कभी ऐसे ग रे म ग रे नी रे नी रे सा ग रे म ग रे नी रे नी रे सा ये हो जाएगा यमन कल्याण। तो यमन कल्याण बाकी सारा स्वर विस्तार यमन कल्याण में भी सेम रहेगा। दोस्तों अब आइए हम करते हैं इसकी एक स्वरमालिका। स्वरमालिका दोस्तों जो राग की मैन फ्रेज है उन्हीं को गले में पुख्ता करने के लिए की जाती है। इसमें नोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो स्वरमालिका मैं आपको बताऊंगा वो है तीन ताल में बांधी गई है। इसके अंदर खाली से शुरू हो रही है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ तीन ताल। दोस्तों पहले आइए आपको बता देता हूँ तीन ताल। तीन ताल में 16 बीट्स होती हैं, 16 मात्रा। इसमें चार चार के चार पार्टीशन विभाग बनाए हुए होते हैं। पहला जो पार्टीशन है वो ताली, दूसरा भी ताली, तीसरा नंबर जो है खाली, मतलब नवी मात्रा से खाली होती है। एक बार मैं तीन ताल की ताली बता देता हूँ। तीन ताल धा धिन धिन धा धा धिन
धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। एक बार से दोबारा से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह धा। दोस्तों आपने देखा होगा नवी मात्रा पे खाली है, नवी मात्रा से शुरू हो रही है स्वरमालिका, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार तीन ताल सुना देता हूँ थोड़ी सी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक तीन चार पाँच छ सात। आइए दोस्तों अब हम करेंगे इसमें जो स्वरमालिका वो खाली से नवी मात्रा से शुरू हो रही है। तीन चार पाँच छ सात। नी दा पा मा पा गा मा दा पा रे गा रे सा। नी दा पा मा पा गा मा दा पा रे गा रे सा। नी रे गा रे नी रे सा मा दा नी दा मा दा पा। नी रे गा रे नी रे सा मा दा नी दा मा दा पा। नी रे गा रे नी रे नी रे गा रे नी रे सा द नी रा पा म ग रे सा। नी रा पा म पा गा म दा पा रे गा रे सा। नी रे गा रे नी रे सा मा द नी रा मा दा पा। नी रे गा रे नी रे सा द नी रा पा म ग रे सा। नी रा पा म पा गा मा दा पा रे गा रे सा। दोस्तों अब हम करेंगे इसकी खाली, खाली भी इसकी नवी मात्रा से शुरू हो रही। पाँच छ सा गा मा द सा 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 नी द नी रे सा। गा मा द सा 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 नी द नी रे सा। नी रे गा रे नी रे द नी म द नी द पा ग रे गा म द नी सा नी द पा म ग रे सा। नी र पा म पा गा म द पा रे ग रे सा। दोस्तों एक बार दोबारा से इसका देखते हैं। ग म द सा 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 नी र नी रे सा। ग म द सा 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 नी र नी रे सा। नी रे गा रे नी रे द नी म द नी र पा ग रे। ग म द नी सा नी र पा म ग रे सा। नी र पा म पा ग म द पा सा। तो दोस्तों ये हुई स्वरमालिका। आज हम राग यमन के बारे में इतना ही करेंगे। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा राग यमन की बंदिश आलाप और ताने लेकर। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।